हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीशावर। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये होटल व्यू है। अब हम आ जा चुके हैं लवर्स पॉइंट, और यहाँ से टिफिन टॉप के लिए भी है। चलो चलो, इधर देख। जिसका लव सक्सेस नहीं हो, सुसाइड कर। नैनीताल फुल व्यू पॉइंट, नैनी झील है ये। नैनी झील फुल व्यू पॉइंट है। रानी, रानी, मिशु, ये है हिमालय दर्शन। यहाँ से पालम खेत और हिमालय दर्शन करवाते हैं। इधर लाइट को बजाना, इससे बजवा। हम आए थे हनुमानगढ़ी मंदिर, जो मैंने बाहर का व्यू आपको बताया। अंदर में अलाउ नहीं कर रखा था, पूरे मंदिर परिसर में कैमरा अलाउ था ही नहीं। पता है, इतना सुंदर हनुमान जी की मूर्त है, इतनी सुंदर, मतलब हम बता भी नहीं सकते। और अगर आप लोग प्लीज आओगे तो पक्का पक्का आना यहाँ पे। और एक जो थी प्रतिमा अंजनी माता, हनुमान जी को कुछ खिलाते वक्त की थी वो वाली, अगर आप देखोगे वो देखते ही रह जाओगे। इतनी सुंदर है, अंदर का व्यू इतना सुंदर है। बस यही कि मैं बता नहीं पाई, पर ये बहुत अच्छा है क्योंकि जितनी प्राइवेसी रहेगी उतना नेचुरल रहता है। अगर वही वहाँ सब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उतना नहीं अच्छा लगेगा जितना अभी अच्छा लग रहा है। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर, बहुत अच्छा लगा जाकर। और नीम करौली बाबा का शयन कक्ष भी है यहाँ पे, वो भी बना रखी है, उनकी प्रतिमा बना रखी है। और उनकी जो फिर उनके बाद में उनकी कोई शिष्या थी, उन्होंने उनकी पूरा संभाला था, तो उनकी भी है। उसके बाद फिर ये ट्रस्ट पे चला गया। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लगा, सच्ची बहुत अच्छा था। अभी सेल्फी पॉइंट कवर कर आए हैं और अभी एक रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए, मतलब लंच करने के लिए। और मिशो रानी, तो मैं हम कॉपी पेस लेकर घूमते, एक शकल की दो, एक ये और एक ये छोट। तो यहाँ पे बिच्छू घास, जो हमारे वहाँ पे कंडाली कहते हैं, उसकी बोल रहे हैं, और मिलते हैं स्लीपर्स वगैरह।
तो यहाँ से मैंने ये कंडाली की स्लीपर ली है जो मुझे 850 की पड़ी। कंडाली मतलब यहाँ बिच्छू घास कह रहे हैं और हमारे यहाँ पे कंडाली कहते हैं। और ये दो बार तीन बार यूज़ कर चुकी हूँ मैं इसको और काफ़ी गर्म फील करा रही है। अगर आप सॉक्स के बिना इसको पहनो, ये कह रहे थे पैन रिलीफ होगा और गर्म लगेगी। तो ये आ चुके हैं हम भीमताल। भीमताल इसके बैक साइड में होटल दिख रहा है, उसके लिए फेमस है। और वीडियो शशांक बना रहे हैं, मैं और रानी हम देख रहे थे इनको एंजॉय करते हुए। एक मन हमारा भी हुआ जाने का, पर ये बच्चों के लिए है। तो मैं बता रही थी जो ये बैक साइड में होटल है उसकी ख़ास बात ये है कि अगर ये पानी ऊपर होता है तो होटल भी ऊपर होता है, और पानी नीचे होता है तो होटल भी नीचे जाता है। मतलब पानी कभी होटल्स के ऊपर नहीं गया है, तो ये ख़ास बात है यहाँ की। पानी बढ़ता है होटल के ऊपर को आता है, जैसे पानी अगर डाउन हो होटल में थोड़ा नीचे, लेकिन बढ़ता पानी है। इसका अगर जाने का हम रास्ता देखें तो बोट वाइज बोट से जाएगी, बोट से वापस आएगी। बाकी इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी है, चाय खाना तो फाइनली हमारा ट्रिप अब कंप्लीट हो गया है। आज आ चुके हैं हम काठगोदाम और यहाँ हम घूम रहे हैं। रानी भी आई, निशु और रानी होटल में है। आवाज़ आ रही है मेन रोड पे। हम तो हम सोच रहे थे कुछ फास्ट फूड लेकर चलते हैं, वही खाएंगे, वही लेकर जाते हैं। इच्छा हो रही थी खाने की। और कल सुबह फिर हमारी ट्रेन है 5:30 बजे की यहाँ से। तो हमने रेलवे स्टेशन के पास में ही होम स्टे कर है, वहीं रूम लिया है। तो शशांक आप भी दिख जाओ यार, शशांक में घूम रहे एकदम मस्त होकर। हम रिटर्न हो रहे हैं और जाते वक्त यहाँ पे सीट से स्लीपर अवेलेबल है नहीं, और हम बहुत भाग भाग कर आए क्योंकि लेट हो चुके थे। 16 पे हम यहाँ आए, 25 पे ये जाएगी, 5:25 पे हम 5:16 पे आए थे। इन्होंने पुराना डिब्बा लगा दिया, जो इनको गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने पुराना डिब्बा जोड़ दिया है और भगा भगा कर लेकर आए हमें। ओह मीशू कैसे देख रही है, मीशू
देखो मिशु को पता भी नहीं चल रहा मेरे साथ क्या हुआ अभी, तुम्हें आराम से ब्लैंकेट्स के अंदर थी अभी एकदम तो विंडो वाला किसी का